में अगर आपने खाद लगा दी और जड़ों के पास पहुंच गई, मतलब जैसे ही पानी लगा तो जड़ें उसको सारा का सारा नॉन न्यूट्रिएंट्स को अपने आप एब्जॉर्ब कर लेंगी। जी किसान साथियों नमस्कार, किसान भाइयों, आज हम कृषि मेला मोदीपुरम में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर 11 फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्ट हैं, 11 के उत्पाद काफ़ी अच्छे हैं। अब देखिए साथियों, अब हम थोड़ी जानकारी लेते हैं, यहाँ पर थोड़े से प्रोडक्ट रखे हुए हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं मैम से, क्या क्या प्रोडक्ट हैं और इनका क्या बेनिफिट है और किन फसलों में लगाए जाएंगे। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, ये जो आपका हम प्रोडक्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दीजिए। देखिए 11 जो कंपनी है, पहली बात तो ये नॉर्वे की कंपनी है, 1905 में स्थापित हुई थी और लगभग 11-12 साल हो चुके हैं हमको इंडिया में सक्सेसफुली अपना बिजनेस कर रहे हैं। जी मैम, बात करते हैं अपनी प्रोडक्ट रेंज की, तो हमारे पास है एक तो एनपीके खाद है हमारी, एक अपनी लिक्विड रेंज आती है, एक अपना कैल्शियम आता है, 11 लिवा, 11 मिला और आपका ये हो गया 11 बीटा। बीटा में आपका पूरा आता है लिक्विड रेंज, मिला में आता है आपका एनपीके खाद, 11 लिवा में आता है आपका कैल्शियम दो प्रकार का। तो अब चलते हैं अब हम मेन प्रोडक्ट की तरफ। जी जैसे 11 मिला कॉम्प्लेक्स है, ये अपनी एनपीके खाद है, 12, 11, 18 एनपीके। हाँ एनपीके खाद है, इसके अतिरिक्त इसमें सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके अवेलेबल है। तो मैम जैसे हम यहाँ पर गन्ना की बुआई होती है ज्यादा, तो गन्ना बुआई में जड़ों में डाल सकते हैं इसे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके अच्छे फुटाव के लिए और जमाव के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक खाद है, क्योंकि क्या है ये 100% घुलनशील रूप में, इसमें प्राइमरी के साथ आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल है, आपका सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरोन हो गया, मैंगनीज हो गया, 9 तत्वों वाली खाद है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कैसा दिखता है। जी हाँ जी, तो देखे साथियों देखने में कैसा है इसको देखते हैं। देखिए 11 मिला कॉम्प्लेक्स के जो दाने हैं ना, वो 3 प्रकार के हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जी। एक छोटा, एक मीडियम, एक उससे बड़ा। हाँ जी। इससे कि आप इसे अगर फील्ड में अपना बिखेरे तो एकदम से पूरे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, इस वजह से ये हमने ऐसा इस रूप में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ, बाकी जो एनपीके ग्रेड आते हैं 19-19 हो गया आपका, तो ज्यादातर वो ब्लेंड फर्टिलाइजर के रूप में आते हैं। हमारा ये जो दाना है एनपीके का, ये प्रिंट टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, यानी कि एक दाने में पूरे 9 के 9 तत्व आपको अवेलेबल है, आपको जरूरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने खाद लगा दी और जड़ों के पास पहुंच गई, मतलब जैसे ही पानी लगा तो जड़ें उसको सारा का सारा नॉन न्यूट्रिएंट्स को अपने आप एब्जॉर्ब कर रही है। तो ये है सबसे बड़ा मेन रोल। अब जैसे मैं बात करूँ डीएपी की, डाई की बात करूँ, डाई का जो दाना होता है वो पूरा घुलनशील नहीं होता है, ना वो पूरा हर पूर्ण रूप से चलायमान होता है। ये है इसका जो खासियत है वो यही है, ये जो फॉस्फोरस है इसमें वो पॉलीफॉस्फेट रूप में है, यानी कि जो क्या करता है पदार्थों की चेन बना के उसको मूवमेंट कराने का काम करता है। इससे क्या होता है एकदम से जो पौधा है उसको उठा पाता है। मान लीजिए मैं बात करूँ, यही दाने देखो आप, हाँ जी, यहाँ पे गिरा दिए जी, इसको मैं कहाँ उठाऊँ, आप इसमें टाइम लगेगा आपको, ऐसे एक चेन की तरीके से मैंने बांध दिया, चेन को उठाने में टाइम लगेगा, चेन इजी पड़ेगा आपको। तो वही हमारा इसमें टेक्नोलॉजी है, तो फॉस्फोरस है इसलिए वो मूव कर पाता है और 100% घुलनशील रूप में आपका अवेलेबल होता है। बात करूँ उसमें पोटाश की, तो पोटाश इसमें हमारा क्लोरीन फ्री है, यानी नमक बिल्कुल भी नहीं है उसमें, इसमें है हमारा पोटाश SOP ग्रेड, यानी सल्फेट ऑफ पोटाश, जो कि क्वालिटी की चमक के लिए काम करता है। अगर गन्ने में आपको चमक चाहिए, शाइन चाहिए, क्वालिटी उत्पादन चाहिए, तो आपको पोटाश भी SOP ग्रेड पोटाश चाहिए, जो कि हमारे 11 मिला कॉम्प्लेक्स की खाद में अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ हमारे 11 लिवा ट्रॉफी गॉड की, इसको हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं सादा कैल्शियम। अच्छा जी, सादा कैल्शियम, क्योंकि हमारा बोरोन युक्त कैल्शियम नहीं है, ये भी हमारा ट्रॉपिकॉन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। जैसे कि हमें पता है हमारा जो एक समस्या बड़ी आती है, लीचिंग की समस्या बड़ी आती है, जैसे आपने नमी लगाई, नमी आई, हाँ जी, खाद लगाई नीचे चली गई, जी जी, उसके लेवल से नीचे चली गई, हाँ जी, उसका आपका जो पौधा है वो उसको उतना उठा नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है मैम, जैसे पानी देते हैं पानी के साथ में नीचे नीचे चली जाती है, वही है। तो ये ट्रॉपिकॉन टेक्नोलॉजी से बनाई गई, यानी कि इसके जो एक दाने पे ना मोम की कोटिंग करी गई है, जिससे आपकी लीचिंग भी काफी हद तक कंट्रोल होती है। जी जी, तो इसकी ये खासियत है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ हमारे 11 लेवा माइका बोर की, इसे जोड़ीदार नाम से भी भाषा में बोला जाता है, देसी भाषा में। अच्छा जी, तो इसका है कैल्शियम युक्त बोरोन, कैल्शियम युक्त है बोरोन। तो आप देखो, आपको पता है गन्ने में फटने की जो समस्या आती है ज्यादातर कैल्शियम और बोरोन, बोरोन की कमी से आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, खोसापन की दिक्कत होती है वो बोरोन की कमी से आती है। अगर आपको चाहिए गन्ने में वेट निकले, वजन निकले और आपका जो है ठोस गन्ना हो, तो आपको ये हमारा कैल्शियम विथ बोरोन वाला आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो भाइयों, यहाँ पर कैल्शियम भी कई कैटेगरी में उपलब्ध है और ये मैम लिक्विड देख पा रहे हैं जी। और इसके अतिरिक्त मैं बताऊंगी आपको, अभी जो हमारा आया है ये काफी टाइम से फार्मर डिमांड कर रहे थे, प्रोडक्ट तो हमारा पुराना है पर ये मिल नहीं पा रहा था फार्मर्स को जी, खासकर अभी जो पोटाश के अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं, जितने रेट ज्यादा हाई जा रहे हैं जी, देखते हुए
हमने अपना ये जो SOP है फिर से अवेलेबल कराया है फार्मर के लिए। 0050 है ये, और ये व्हाइट कलर की पोटाश है जी। इसका 10 किलो का कट्टा आता है, जो आपकी DAP जो डाई आती है, जो पोटाश आता है आपका, उससे क्योंकि जो आप MOP इस्तेमाल करते हो उससे 30% ज्यादा एफिशिएंट है हमारी SOP खाद। तो इसकी डोज मैम, डोज बताओ इसकी। 10 किलो एकड़ की इसकी डोज है। और कितने एरिया में डालेगा ये? 2 किलो प्रति बीघा डालेगा। और ये जो आपका MOP लगाते हैं उसमें ये एक बैग पूरा भारी है जी, उसके बराबर का है ये। 10 किलो का जो एक बैग है MOP के एक बैग के बराबर का है, क्योंकि ये जो 10 किलो का है इसमें प्योर पोटाश है। प्योर पोटाश आपका जो MOP होता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो लाल वाली पोटाश आती है उसमें नमक की मात्रा होती है जी जी। इसलिए हमारा ये जो है पूरा भारी है, उसमें जो आपका पोटाश है ये लाल वाली। बिल्कुल। तो मैम